फ्रेंड्स, मैं सुनील प्रसाद शर्मा और आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। और आज हम यहाँ पर एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वो है फर्टिलाइजेशन। और हम अपने बच्चे को ये बताना चाहते हैं कि आप लोगों को लॉकडाउन से पहले जहां जहां तक आप लोगों को पढ़ाया गया था, लॉकडाउन खत्म होने के बाद वहीं से शुरू किया जाएगा। इसलिए आप लोग इसमें किसी प्रकार का टेंशन न लें और आप लोग इस महामारी से बचे। तो चलते हम लोग इस टॉपिक पे जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन, इस पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ध्यान से, फर्टिलाइजेशन जिसको हिंदी में कहा जाता है निषेचन। तो सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं कि ये फर्टिलाइजेशन जो है, निषेचन जो है, ये होता क्या है, निषेचन क्या है ये। तो इसको सबसे पहले एक बार परिभाषित कर लेते हैं। तो बोलते हैं क्या, फिर सुन लीजिए ध्यान से। बोले क्या कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक का, ध्यान दीजिए क्या बोले, कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक का संलयन होकर, ध्यान दीजिए बोले कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक का संलयन होकर युग्मनज बनाने की क्रिया को, युग्मनज बनाने की क्रिया को निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। वह फिर से रिपीट करते, एक बार फिर सुन लीजिए ध्यान से। हम बोले क्या कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक का, ध्यान दीजिएगा, बोले नर युग्मक एवं मादा युग्मक का, बोले कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक का संलयन होकर युग्मनज बनाने की क्रिया को निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आपको हम इस तरह से समझा रहे हैं, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। बोले निषेचन जो है, तो क्या बोले, नर युग्मक, इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है मेल गेमिट, इसी कहते हैं अंग्रेजी में मेल गेमिट। और दूसरा क्या है, मादा युग्मक, और इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है फीमेल गेमिट। बोले क्या, ये जो मेल गेमिट है, मेल गेमिट में गुणसूत्र की संख्या एन होती है और मादा युग्मक में, यानी फीमेल गेमिट में भी गुणसूत्र की संख्या एन, यानी क्रोमोसोम नंबर एन होता है। अब ये दोनों संलयन होंगे, जब ये दोनों संलयन होंगे तो युग्मनज का निर्माण होती है, जिसको अंग्रेजी में जायगोट कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि नर युग्मक यानी मेल गेमिट में गुणसूत्र संख्या एन होता है और मादा युग्मक यानी फीमेल गेमिट में गुणसूत्र संख्या एन होता है, और जब ये दोनों मिल गए तो युग्मनज में गुणसूत्र की संख्या होता है 2n, और यही युग्मनज आगे चलकर भ्रूण में विकसित होती है, भ्रूण जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो, और इसमें भी गुणसूत्र संख्या 2n ही रहता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको पूछा जाएगा, सवाल में भी रहेगा आपका, कि पूछा जाएगा आप लोगों को कि ऑब्जेक्टिव में कि युग्मनज में गुणसूत्र की संख्या कितना होती है, तो बोलेंगे 2n, और आपको पूछा जाएगा भ्रूण में गुणसूत्र कितना, क्या बोलेंगे, 2n। और एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो फर्टिलाइजेशन है ये ऑब्जेक्टिव में भी रहता है और पूछा भी है कि निषेचन क्या। तो निषेचन का अर्थ जो होता है, जो उनको एक लाइन में आप लोग बोल सकते हैं एक शब्द में, कि नर युग्मक और मादा युग्मक के केंद्रक का संलयन होना, नर युग्मक और मादा युग्मक यानी कि मेल गेमिट और फीमेल गेमिट के केंद्रक का जो संलयन है उन्हीं को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है इसको। तो हम आगे आप ध्यान देते हैं फर्टिलाइजेशन के ऊपर पे, कि फर्टिलाइजेशन का जो खोज हुआ था वो किसने किया था। तो आपको बता दें कि जो फर्टिलाइजेशन है ये प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है, तो दोनों में इनका खोज अलग अलग आदमियों ने किया है, यानी कि फर्टिलाइजेशन का जो खोज हुआ है वो दो अलग अलग साइंटिस्ट ने किया है, प्लांट में अलग और एनिमल में अलग अलग। तो ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एनिमल में। तो एनिमल में फर्टिलाइजेशन का जो खोज किया था उनका नाम है हार्टविक। ध्यान दीजिएगा, हम बोले क्या कि एनिमल में जिनका इनका खोज किया था उसका नाम था हार्टविक नामक वैज्ञानिक ने 1876 ईस्वी में एनिमल में फर्टिलाइजेशन का खोज किया था। और दूसरा है प्लांट में जो निषेचन फर्टिलाइजेशन का जो खोज किया था उसका नाम है स्ट्रासबर्गर ने फर्टिलाइजेशन का प्लांट में जो खोज किया था वो 1884 ईस्वी में किया था, 1884 ईस्वी में। अब ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं, बोले कि आपको पूछा जाएगा कि प्लांट में निषेचन का खोज किसने और कब किया, तो बोलेंगे स्ट्रासबर्गर। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रासबर्गर बोले, नॉट पिज्जा,
बर्गर बोले क्या किया, आपको पूछा जाएगा निशंक का कुछ किसने क्या, बोलेंगे निशंक का कुछ प्लांट में स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने 1884 में किया। फिर से हम बोल रहे हैं कि आपको पूछा जाएगा कि निशंक का खोज जो प्लांट में वो स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने किया था, नॉट पिज्जा। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने कब किया था, 1884 में। आपको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि बोले फर्टिलाइजेशन का खोज एनिमल में हार्टविक नामक वैज्ञानिक ने 1876 में किया था। एक बार आपको फिर से रिपीट कर देते हैं, बोले कि निषेचन जो आपको पूछा जाएगा प्रसविक निषेचन क्या, बोलेंगे आपको कि प्रश्न बोलेंगे कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक का, ध्यान दीजिए, बोले कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक का संलयन होकर युग्मनज बनाने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। बोले निषेचन का जो खोज हुआ था वो एनिमल और प्लांट में दोनों में अलग अलग साइंटिस्ट ने किया था। बोले एनिमल में इसका खोज हार्टविग नामक वैज्ञानिक ने 1876 में किया था और प्लांट में इसका खोज स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने 1884 में किया था। अठारह सौ चौरासी में किया था।